हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है। आप लोगों को पता, आप सभी लोग शिवानी कुमारी दीदी को तो जानते ही होंगे। वो अभी उन्होंने बिग बॉस में एंट्री की। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप शिवानी कुमारी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दीदी जीत कर ही आएँ। तो फ्रेंड, शिवानी कुमारी दीदी फिर से बिग बॉस में पहुंच चुकी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो शिवानी दीदी को। आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो शिवानी दीदी को। शिवानी दीदी घर जीत कर ही आए। आप देख सकते हैं शिवानी दीदी कितनी मेहनत करती हैं, और मैं शिवानी दीदी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप तो देख ही चुके होंगे कि ये है शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश से। ये शिवानी कुमारी का फ़ोटो है। हमको तो बहुत ही प्यारे लग रहा है ये फ़ोटो। आप कमेंट में बताओ आपको कैसा लग रहा है। और आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारी रील्स बनाती है। हम तो जितने भी इनकी ब्लॉग डले हैं पूरे ब्लॉग देख चुकी हूँ। अगर आपको भी देखना हो तो आप जा सकते हो। और आज तो ये उनका सपना पूरा हो ही गया। कहते हैं ना कि हर किसी का एक सपना होता है, वो लड़की हो या लड़का हो। तो शिवानी कुमारी दीदी का भी एक सपना था कि मैं बिग बॉस में जाऊं। बारिश हो रही है, बारिश की वजह से थोड़ा ये आवाज़ आ रही होगी बारिश की। आज इंदौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से ही अभी तक बारिश हो रही है। तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, आपके लिए क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो फ्रेंड, मेरा बस यही कहना है कि आप शिवानी कुमारी दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हम चाहते हैं कि वो जीत कर ही घर आएँ। उनका सपना है, वो सपना पूरा हो जाए। उनके बारे में लोग बहुत गलत बोल रहे हैं कि वो ऐसी, मतलब गांव के लोगों को बिग बॉस में बुला लिया है। क्या गांव की लड़कियां जा नहीं सकती हैं? क्या गांव की लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं? तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो ज़्यादा शिवानी कुमारी की दीदी के बारे, मतलब हम सब के बारे में जो गलत बोल रहे हैं, वो चुप रह जाए, मतलब उनका मुँह बंद हो जाए। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें शिवानी दीदी के लिए। अगर शिवानी दीदी जीत कर आती हैं तो हमारी और आप सबकी जीत होगी। सच तो ये है कि शिवानी दीदी के नाम से बहुत फेक आईडी भी बना ली है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह उनकी फेक आईडी बना ली है। आप लोग सर्च कर रहे होंगे शिवानी दीदी को कि बिग बॉस में जो वीडियो बनाई जा रही हैं, जो डाल रहे हैं। तो मैं आपके लिए बता दूँ कि रियल आईडी उनकी ए है ये वाली है इनकी रियल आईडी। आप देख सकते हो इस पे है 4.6 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। शिवानी कुमारी 321 उनकी आईडी नंबर है। तो आप जाओ और सर्च करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़। ये देख सकते हैं, ये शिवानी दीदी की वीडियो है, ये देखिए। भैया बोल रहे हैं कि शिवानी दीदी आप तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो शिवानी दीदी हंस रही हैं। तो देख सकते हो आप, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है अब तो। हमको भी बहुत अच्छा शिवानी दीदी ये देख सकते हैं, बिग बॉस में है अभी। ये देखिए, हर जगह उनकी फ़ोटो भी लग चुकी है। ये देख सकते हैं, हर जगह उनका फ़ोटो लगा हुआ है। बिग बॉस से अब जीत कर आने ही वाली हैं शिवानी दीदी। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। तो आप लोगों के लिए बता दिया है मैंने कि शिवानी दीदी की ये रियल आईडी है। आप लोग जाइए और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ये उनकी रियल आईडी है, और उनकी फेसबुक भी है शिवानी कुमारी के नाम से, ओली शिवानी कुमारी के नाम से है। उनकी 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरा तो यही कहना है। शिवानी दीदी बहुत मेहनत करती हैं, और मेहनत तो देखो किसी भी काम में करना पड़ता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप एक ना एक दिन सफल हो ही जाओगे। तो शिवानी दीदी मेहनत करती थी, और आज भी वो उनका, मतलब जो सपना था उनका पूरा हो गया है। तो मेहनत करते रहिए और अपना सपना पूरा सभी लोग करते रहिए। शिवानी दीदी के बारे में बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं। एक लड़के ने तो गवार भी बोला था शिवानी कुमारी दीदी को। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि वो जो किसी के बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोच रखते हैं, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब दिखाते हैं हमारा काम क्या चल रहा है आज। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे।
कहते हैं कि बाजारों में ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा क्यों? आज सुबह से ही बारिश हो रही है, शाम हो चुकी है, अभी भी बारिश बंद नहीं हो रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं आज हमारे रूम में हो रही है पुटिंग, तो अंकल जी लगे हुए हैं हमारे रूम में पुटिंग करने के लिए। ये देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदा कलर हो गया था, इसलिए अब वाइट कलर कर रहे हैं। ये यहाँ मेरा रखा हुआ है सामान, यहीं बीच में मैंने सामान रख दिया है पूरा, और रूम को मैंने कर दिया है पूरी तरह से खाली। इसके बाद अंकल जी आके और पुटिंग करने के, पहले ये देख सकते हैं पीला कलर था, अभी हमने बोला है कि इसमें वाइट कलर कर दो, रील्स बनाने में अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था, इसलिए इनको डबल बार पुटिंग करना पड़ेगा। अभी तो एक बार भी नहीं हुई है, एक बार पूरे में अच्छे से कलर हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर इसके बाद दोबारा से कलर करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इस तरफ तो कर दिया है अभी उनने, ये देख सकते हैं पहले रेड था इसलिए अभी रेड रेड दिख रहा है, दोबारा से हो जाएगा पुटिंग तो फिर थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। अभी तो यहाँ मेरा मोबाइल चार्ज भी लगा है, ये देख सकते हैं आप, अंकल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम लगे हुए हैं, उनको पसीना भी आ रहा है बेचारे। हम पे भी आज बहुत ज़्यादा काम पड़ गया है, पूरे दिन से लगे हुए हैं काम में, खाना भी नहीं खाया है, अभी तो मैंने पूरा सामान रखा है। आप देख सकते हैं एक बार पूरे में कलर हो गया है, अभी सूखने के बाद अंकल जी दोबारा से कलर करेंगे। अभी अंकल जी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, इसके बाद फिर से पुटिंग करेंगे, अभी तो जा रहे हैं बाहर। हमारा रूम एक नंबर चकमका हो गया है, अब हम रील्स बनाया करेंगे तो वाइट वाइट दिखा करेंगे। ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, देखो उन्हें दोबारा से पुटिंग किया है, अब एक नंबर। देख सकते हैं हमारे रूम में हो गया है कलर, मतलब कि पुटिंग, और अंकल तो चले गए हैं पुटिंग करके, बहुत अच्छा चकमका गया है। दिखाती हूँ मैं आपके लिए अपना रूम, पहले तो गंदा था बहुत, ये देख सकते हैं अभी अभी पुता है इसलिए गीला है, सूख के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पड़ा है सामान, पूरे दिन से बैठी हूँ मैं, थक गई हूँ, और अब इसको सामान को मैं लगाने वाली हूँ, इस सामान को मैं जमाने वाली हूँ अच्छे से। पहले तो ये देख के नीचे कितनी पुटिंग, पहले की जो पुरानी थी उसको उनने खोद खोद के हटा दिया और न्यू पुटिंग कर दिया है। अब हो गया है हमारे रूम में पुटिंग पूरे से अच्छे से। अब हम इसमें पहले झाड़ू लगाएंगे, इसके बाद पानी डाल के इसको साफ करके फिर अपना सामान जमाएंगे। चलिए तो जमाते हैं सामान, बहुत बुरे थक गए हैं हम रूम की सफाई करते करते। आप देख सकते हो मैंने पूरी सफाई कर दी है, बढ़िया रूम को चकाचक कर दिया है रगड़ रगड़ की बुरुश से, क्योंकि इसके छिट्टा गिर गए थे, तो आप देख सकते हैं, बताती हूँ। देखिए मैंने ऐसा कर दिया है अपने रूम को, पूरी तरह से चकमका गया है एकदम। अभी सामान रखा है, इसको सवेरे लगाऊंगी मैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आज अपने रूम में। अब खाना बनाने वाली हूँ मैं, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।